नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉट एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन। देखिएगा कैसे करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स को, हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बटे साइन एक्स, बटे साइन एक्स और डीएक्स। एक ऐसा फंक्शन लेंगे जिसको डीएक्स के साथ मिला के, अगर उसके डिफरेंशिएशन जिसका दिया गया हो, और dx, और ये देखो cos x dx जो है वो dt बन जाएगा। कब? जब हम अगर यहां पे sin x को t मान लें, है ना, यहां पे अगर हम क्या करें sin x को t मान लें, तो यहां पे मान लेते हैं हम, माना sin x इज इक्वल टू t, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x dx, और ये हो जाएगा dt। मतलब कि cos x dx dt के बराबर हो जाएगा, और sin x की जगह t रख देंगे, रख दीजिए भाई, ये cos x और dx दोनों ये dt इनकी जगह पे आ गया, और sin x को हमने t माना है तो 1 upon t, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon t dt ये क्या होता है log t, log modulus t plus c, t का वैल्यू रख देंगे, क्या माना है हमने sin x, यानी कि ये हो जाएगा log modulus का sin x plus c। एक काम करना है, एक और परिवर्तन, एक तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट माना, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डीएक्स इज इक्वल टू क्या हो गया लॉग मॉडुलस साइन एक्स प्लस सी, या एक फार्मूला और चेंज होके आ सकता है, अगर हम यहां पे साइन एक्स को लिख दें, साइन एक्स को लिख दें क्या, साइन एक्स को लिख दें 1 बाई कॉसेक एक्स, है ना, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, साइन एक्स को लिख दिया हमने 1 बाई कॉसेक एक्स प्लस सी, लॉग एम बटे लॉग एन लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस का log cosec x प्लस सी, log 1 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल टू आ गया माइनस का log इंटीग्रेशन cosec x प्लस सी। तो ये फार्मूला या ये फार्मूला, दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।